रोशनी के महापर्व दीपावली पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए कोरोना काल में भी वनटांगिया गांव में दीपावली पर्व को मनाया और गांव वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर ग्राम पंचायत तिनकुनिया नंबर 3 में वनटांगिया ग्राम के विकास के लिए लगभग 66 लाख की कुल 9 परियोजनाओं जिसमें 4 परियोजना का शिलान्यास तथा 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र, पुष्टाहार योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को ड्राई राशन किट एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के 10 छात्रों को स्वेटर व ड्रेस का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व एवं त्यौहार में समाज के जब सभी लोग जुड़ते हैं तो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। जनपद के चयनित 5 वनटांगिया बस्ती को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के 70 साल से बुनियादी सुविधाओं से वंचित इन वनटांगिया गांव में प्रदेश सरकार द्वारा पक्का मकान, शौचालय, पेंशन, मालिकाना हक, हैंडपम्प, सड़क, बिजली आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना तथा शासकीय योजनाओं से लाभ पहुंचाना ही सबसे अच्छी दिवाली है। योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, इस दिशा में शासन प्रशासन तो निरंतर कार्य कर रहा है, लेकिन आम जन को भी शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। समाज में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से लाभान्वित होने से वंचित न हो, इस दिशा में बिना भेदभाव केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के भाव से सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पर नियंत्रण पाया गया है। जहां 1977 से प्रतिवर्ष 500 से 1500 तक बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मृत्यु होते थे, प्रदेश में सरकार बनने के उपरांत इंसेफ्लाइटिस की समस्या से निदान के लिए लगातार कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष मात्र 21 मृत्यु हुई और मृत्यु को शून्य करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि दीपावली पर एक दीप सैनिकों के नाम जरूर जलाएं और वह दीप मिट्टी का बना होना चाहिए। सात्विक भाव के साथ संकल्प लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परिणाम बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने वन्य गांव से जुड़े लोगों से कहा कि वे भी कोई विशिष्ट चीज़ तैयार करें, स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ खरीदा जाए। इस मौके पर विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, मत्स्य विकास बोर्ड के अध्यक्ष रमाकांत निषाद, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, जिलाधिकारी के वी एन पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किसी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी सोशल के साथ ऐसा प्रतीक और परमात्मा मिलकर दीप ज्योति बनाए तो प्रकाश कम तनिक न हो अगर वो निकला सबको को अधिकार जिस चम की एक निशा से मिलकर सदियों तक ना बुझना अंधेरा धरा पर ऐसे जले का दीपावली का प्यार का उत्तर प्रदेश को राष्ट्र के लिए आतुर कर्तव्य परायण के सशक्त हस्ताक्षर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच की ओर होता हुआ यह मंच सार्थक होने जा रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उत्कंठित है इस आशा के साथ कि नवज्योत से प्रकाश हो, नवज्योत से नव प्रकाश हो, नई सोच हो, नई कल्पना चौदिस में यश और वैभव फैले, चौदिस में यश और वैभव फैले, राष्ट्र देश और अग्रसर हूँ इस आकांक्षा के साथ अपने यशस्वी परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन मंच पर होता हुआ यह क्षण गौरवशाली करता है समस्त वनटांगिया वासियों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस को और इस आशा के साथ हम आकांक्षा करते हैं सुयश सुकीर्ति बढ़े जीवन में, सुयश सुकीर्ति बढ़े जीवन में, आरोग्य आयुष्य सहगामी हो, आशीष मिले संपूर्ण विश्व से, सतत पथ प्रगति अनुगामी हो, शुभ मंगल जीवन आगामी,
प्रतिपल नूतन मार्ग मिले, इस आशा विश्वास के साथ कंठ ध्वनि के साथ हम मंच पर आते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषा जी, हमारे परम सौभाग्य से आज हमारे मंच पर दीपावली के शुभ अवसर कार्यक्रम कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए सबके साथ समरस होते हुए हमारे बीच पूज्य महाराज श्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री वर्तमान में यशस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन हम सबके बीच विराजमान हो चुके हैं। श्री से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर विराजमान गुरु गोरक्षनाथ, रुद्रावतार प्रभु हनुमान जी महाराज, माँ सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की महती कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के द्वारा और तमाम सारे वनवासियों गिरजनों सबका ऊर्ध्वगामी लव विकास का ऊर्जा का प्रकाश का पुंज होती है। दीप ज्योति शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदेश्वर महंत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम विधायकों द्वारा शामिल कर लेना। तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत इस अभिनंदनीय कार्यक्रम का। कंपोजिट विद्यालय बटानिया नंबर 3 की छात्राओं को चुम चुम हर गली बारे बारे कर चली, चुम चुम हर गली बारे बारे कर चली, आप जो पधारे तो मैं झूमी गली गली, चुम चुम हर गली बारे बारे कर चली, अपने साथ का दिया हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको बाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है, खुशनुमा आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियां, मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिश्री की डली, मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिश्री की डली, आप जो पधारे तो मैं क्यों ठीक गली गली, चुम चुम हर गली बारे बारे कह चली, चुम चुम हर गली बारे बारे कह चली। पूज्य महाराज जी सांसद रहते हुए लगातार बंटानिया में हर साल दिवाली मनाते आए हैं। हम पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि पूज्य महाराज जी कोरोना काल में भी आपने इन दीन दुखियों की सुन ली और आज इनके बीच में आप यहां पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं महाराज जी सांसद रहते हुए इन बंटानिया भाइयों की लड़ाई लगातार मेडिकल कॉलेज से कमिश्नरी तक पैदल मार्च करके तमाम आंदोलन करके अपनी पहचान इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने बनाया। और साथियों, जब पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो ऐतिहासिक परिवर्तन सबसे पहले बंटानिया ग्रामों पे हुआ है। साथियों, खैर आप लोगों को भी बधाई देंगे कि मैं जब यहां से चुनाव लड़ा था तो पूज्य महाराज जी में 1338 वोट पाया था, लेकिन आपके आशीर्वाद से जब लोकसभा चुनाव आया तो इन्हीं बनग्रामों के वासियों ने 2400 वोट करीब भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन सिंह को दिया था। निश्चित परिवर्तन हुआ है, जो करेगा उसको उसका पारिश्रमिक मिलेगा। आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। शिलान्यास एवं लोकार्पण इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का प्रदर्शन पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा बटन दबाकर। महाराज जी आप सबके बीच तमाम सारी विकास योजनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं और शानदार फुलझड़ी के बीच शानदार आतिशबाजी के साथ
यह मनहर कार्यक्रम इस जंगल के बीच मंगल करता हुआ क्या मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का अभिनंदन, जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का अभिनंदन और तमाम सारे शिलालेख, तमाम सारे शिलापट कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सबके बीच परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से उनके आशीर्वाद स्वरूप इस वृक्ष यह हम सबका पावन दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। इसके पश्चात और लगभग 43 लाख रुपए के लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। पंतरिया गांव के इस सफर के साथ में बहुत सारे उपलब्धियां हमारे बीच में है, जैसे संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण और जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने देखा गोल्डन कार्ड, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पूरी सूची आपके पास उपलब्ध है, वृद्धा पेंशन। इसके साथ निवास प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र दिया जाना है माननीय मुख्य। सुख क्षण दीपावली का सुअवसर श्रीमती तारा वाइफ ऑफ नारायण, आज श्रीमती आशा देवी वाइफ ऑफ श्री हरीशन, श्रीमती आशा देवी वाइफ ऑफ श्री हरीशन, वाइफ ऑफ श्री विकन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिया जा रहा है। सन ऑफ श्री छोटकन, इसी क्रम में श्रीमती सुमन मिष्ठान एवं अपने आवास का स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए श्री शैलेंद्र, सन ऑफ श्री राम प्रसाद वाइफ ऑफ श्री दिनेश, श्रीमती निशु वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र, श्री जगजीवन सन ऑफ श्री सुभाष, मंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं वितरण। ड्राई राशन वितरण का कार्यक्रम, आंगनबाड़ियों के लाभार्थियों को 3 वर्ष का छोटा बच्चा श्रियांश, श्रियांश आज बाल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ड्राई राशन वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेयांश 3 ईयर का यह बच्चा 1 वर्ष की परी, इसके बाद अनु, पुष्टाहार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन किट का वितरण किया जा रहा है। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुस्कान, मुस्कान पुष्टाहार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन किट का वितरण किया जाता हुआ, अर्पिता, कुंदन, ये छोटे छोटे बच्चे स्वयं को कितने सुखद मानते हुए शायद आज इनके अंदर समझ भी नहीं है कि यह इनके अंदर कितना सौभाग्यशाली दिवस, यह दीपोत्सव इन सभी के लिए कितना सौभाग्यशाली है। 5 वर्ष, इसके पश्चात उर्मिला, उर्मिला अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन किट का वितरण किया जा रहा है। यह मंच सार्थक है कि आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा संकल्पित होती हुई इसी क्रम में उर्मिला एक माँ, पूजा श्रीमती पूजा वाइफ ऑफ श्री अरविंद, इसके पश्चात निर्मला, श्रीमती निर्मला 1 माह के बच्चे के साथ यह धात्री महिला आज यह सुखद अवसर दीपोत्सव का गुरु का वरदहस्त मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या अधिक शुभकामना चाहिए। इसी क्रम में 16 नंबर मंच पर बेसिक शिक्षा परिषद के छात्र संजू, संजू सबसे पहले छात्रा संजू प्राथमिक विद्यालय तिनकोनिया नंबर 3, समर,
सन ऑफ श्री नरेंद्र प्राथमिक विद्यालय जंगल तिमकुनिया नंबर 3 कक्षा 2 का यह छात्र या नंबर 3 कक्षा 3 की यह छात्रा ड्रेस एवं स्वेटर आज के इस कार्यक्रम में राहुल सन ऑफ श्री हरिकेश प्राथमिक विद्यालय जंगल तिमकुनिया नंबर 3 ड्रेस एवं स्वेटर वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कंपलों से संपन्न होता हुआ। सतीश सन ऑफ श्री रामजीवन प्राथमिक विद्यालय जंगल तिनकोनिया नंबर 3 क्लास 3 का ये स्टूडेंट। निशा डॉटर ऑफ श्री जोगिंदर प्राथमिक विद्यालय जंगल तिनकोनिया नंबर 3। पंकज सन ऑफ श्री राम मिलन पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल तिनकोनिया नंबर 3 क्लास 6 का ये स्टूडेंट। दीपक सन ऑफ श्री राजेश राजकुमार हिंदू विद्यापीठ वनटांगिया जंगल तिनकोनिया नंबर 3 क्लास 7 का छात्र। अंश प्रतिमा इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृत चिन्ह भेंट कर दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में इस आकांक्षा के साथ रवि राज प्रदान सदैव करे शशि शीतलता निज देते रहें चित नंदन नंदन को सुख दे बुध भारत माता की। दीपावली के पावन पर्व पर बनटांगिया गांव में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है काशी से पधारे महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा रमेंद्र सिंह जी जिला के अध्यक्ष श्रीमान युधिष्ठिर सिंह जी महानगर के अध्यक्ष से राजेश गुप्ता जी इस कार्यक्रम के संयोजक इंदिरा वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री इंजीनियर पी के मल जी माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी सिंह जी ब्लॉक प्रमुख श्री सुनील पासवान जी जंगल कोड़िया के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी मत्स्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी मान्य विधायक श्रीमती संगीता यादव जी बनटांगिया गांव से जुड़े हुए श्री राम गणेश जी चंद्रजीत जी मुन्ना सिंह जी राजकुमार जी रामनयन जी बलराम जी रमाशंकर जी परमात्मा जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण प्रशासनिक अधिकारीगण बनटांगिया से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं अभी सीधे अयोध्या धाम से ही आ रहा हूं और अयोध्या धाम की दीपावली आपने सबने कल देखी होगी। पर्व और त्योहार हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्साह उमंग के साथ कैसे हमें मनाना चाहिए इसकी एक झलक कल अयोध्या में आपने देखी होगी और आज दीपावली का यह आयोजन आप अपने घरों में एक दीप देश के सैनिकों के नाम समर्पित करते हुए जलाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर पूरा देश एक स्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में एकजुट होकर के संकल्प लेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का और यही हमारे पर्व और त्योहार का सबसे बड़ा उत्साह है सबसे बड़ा उमंग है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं इस वन्य गांव में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने यहाँ पर आज
फिर से कुछ योजनाओं का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया है। पिछले 3-3.5 वर्षों से सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन आजादी के बाद वन्य गांवों में योजनाओं का लाभ पहुंचाने में 70 वर्ष लग गए। अगर आप यहां से गोरखपुर महानगर में जाना चाहेंगे जिला मुख्यालय पर, तो आपको पहुंचने में 70 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप पैदल जाना चाहेंगे तो तब भी 70 मिनट से कम समय में आप यहां से जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं। लेकिन शासन की योजना का लाभ इन गरीबों तक पहुंचने में 70 साल लगे, और 70 साल के बाद भी तब लगे जब मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में दी, और मैं चूंकि इनके बीच में काम कर चुका था तो मुझे इनकी समस्याओं की जानकारी थी और उन समस्याओं का समाधान का रास्ता कैसे निकलना है। मैंने इनके बीच में, मेरे सहयोगियों ने इनके बीच में व्यापक कार्य किया था, उस प्रकार की रणनीति बनाई थी। तब 70 वर्ष के बाद इन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाई, और सचमुच ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति का क्षण होता है। जब मैं बंटागिया गांव में आज से 3 वर्ष पहले जब मैं आता था तो मुझे केवल झोपड़ी दिखाई दिखती थी, दीनता हीनता दिखती थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे यार भाई, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न राशन कार्ड था, न पेंशन की सुविधा थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब हम लोग वन्य गांवों में आते हैं, आज यहां पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का भी है, आयुष्मान भारत के कार्ड का भी है, हर प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। सचमुच इससे अच्छी दीपावली दूसरी नहीं हो सकती है। ये दीपावली का सबसे अच्छा आनंद है कि अगर किसी गरीब के चेहरे पर हम खुशहाली ला सके, शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सके, तो ये सबसे अच्छी दीपावली है। और मुझे लगता है कि दीपावली के इस आनंद के साथ जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2017 में तय हुआ कि हम दीपावली का आयोजन कहां पे मनाएंगे, तो मैंने कहा भी देखो मैं तो जाता हूं वन्य गांवों में और मैं वहीं पे जाके कार्यक्रम में भाग लूंगा, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के आगमन की स्मृति को भी हम तरोताजा कर सकें, जिससे दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की छाप मजबूती के साथ रखी जा सके। तो आज वह कार्यक्रम हम लोगों ने 2017 में अयोध्या में प्रारंभ किया, और अयोध्या के कार्यक्रम के बाद फिर अगले दिन मुझे यहां भी आना पड़ा। मैं पिछले लगातार यहां पर पिछले 11-12 वर्षों से दीपावली के दिन यहां पर निरंतर आता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कहते हुए कि ईश्वर की कृपा से, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से देश की न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले को लोकतांत्रिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से सदियों की समस्या का समाधान सर्वसम्मत तरीके से हो सकता है, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करना, ये देश के लिए और प्रत्येक भारतवासी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण रहा है। और इस गौरव के क्षण में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य के बाद अयोध्या की पहले दीपोत्सव के आयोजन से भाग लेने के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके,
ये काम सरकार का तो है ही, प्रशासन इसके लिए नियुक्त होता ही है, जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयास करते ही हैं, लेकिन आम जनमानस को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं। अक्सर होता है हम शासन की योजनाओं को तब जानने का प्रयास करते हैं जब हमारी स्वयं की जरूरत होती है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, लोकतांत्रिक समाज में रहने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन योजनाओं की पूरी जानकारी रखें, और जानकारी रखने के साथ हम इस बात को तय करें कि समाज में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की भी, और जितनी योजनाएं बनी इन योजनाओं में भेद किसी के साथ नहीं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प जो उन्होंने 2014 में दिया था देश को, कि सरकार न किसी की जाति देखेगी, न किसी का मत देखेगी, न किसी का मजहब देखेगी, न किसी की भाषा देखेगी, न किसी का क्षेत्र देखेगी, सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी, और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव, हरेक को मकान मिलना, क्रम आगे पीछे हो सकता है कि अगर एक गांव में 100 गरीब हैं तो हो सकता है 50 को पहले मिल जाए, 25 को बाद में मिल जाए, 20 को बाद में मिल जाए, उसके 5 को बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सबको, कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। हर एक घर में शौचालय बन जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक घर में बिजली मिल जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, हम इसका प्रयास हर एक स्तर पर समाज के जागरूक नागरिकों को भी करना चाहिए। नहीं तो कोई सोचता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगी, लोगों ने अपने अपने नाम पे तो योजनाएं चलाई, लेकिन जनता के लिए सर्वस्वीकार्य कोई योजना चले तो आवास योजना में उस योजना का नाम हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पिक एंड चूज भी नहीं, कोई भेद भी नहीं। अगर कोई चाहेगा कि मैं इसको दूं, इसको नहीं दूं, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूची पहले से तैयार है और उस सूची के अनुसार एक एक करके सभी को योजना का लाभ उपलब्ध करवाना है। ऐसे ही शौचालय की योजना कोई सोच सकता था? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन योजनाओं का लाभ इन गरीबों को मिल सके, जिनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी, उन लोगों ने योजनाओं में रुचि भी नहीं ली। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होता है, और 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होने के बाद पहले 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कुल 43 लाख गरीबों के शौचालय बन पाए। अगले 2.5 वर्ष के अंदर हमें 2 करोड़ 61 लाख लोगों के शौचालय बनाने थे। कैसे बनेगा? हम लोगों ने इसको मिशन मोड में लिया और अगले 2.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय देने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने किया, और आज हर गांव में आपको शौचालय देख सकते हैं, हर गरीब के घर में। और इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस योजना ने व्यापक परिवर्तन लाया है इंसेफ्लाइटिस से। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ उस आंदोलन के साक्षी रहे जब हमने बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए, कभी पद यात्राएं की, कभी कई दिनों तक धरने चले, कहीं पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन यहां पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हुए। और उस आंदोलन में आप देखते रहे होंगे, हम आंदोलन इसलिए करते थे क्योंकि यहां गरीब का बच्चा मरता था, यहां किसान का बच्चा इंसेफ्लाइटिस का शिकार बनता था,
हम लोगों ने कहा किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 बच्चों की असमय मौत हुई थी इंसेफ्लाइटिस से, और हर वर्ष 500 से लेकर 1500 मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने जब हर घर में शौचालय बन गए, आज उसका परिणाम क्या है? जहां हर वर्ष 1977 से 2017 तक हर वर्ष 500 से लेके 500, 600, 700, 800, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 मौतें होती थी, इस वर्ष मौत के आंकड़ों को हम न्यूनतम स्तर पर ला दें, कुल 21 मौतें हुई हैं और आने वाले समय में 21 मौत भी नहीं होगी। इसी व्यवस्था के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। स्तर उपलब्ध कराना ये शासन प्रशासन और समाज के जागरूक नागरिकों का पूरा दायित्व है, और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बिजली, आप अनुमान करिए बनटांगिया गांव में 1947 से लेकर 2017 तक बिजली नहीं पहुंची थी, एक भी पक्का मकान नहीं था। जब मैं राम गणेश जी के घर में हम जाते थे तो उनकी झोपड़ी में हम लोगों को बैठना पड़ता था, लेकिन आज मैं ऊपर से देख रहा था हर एक का पक्का मकान बन चुका है। मैं पक्का मकान बनाने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया, कुछ लोगों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से भी अपना मकान बनाया, बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया, लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जो बचा था उसका शिलान्यास हो गया है और आने वाले समय जो बचेगा वह भी होगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक दिवाली है, और मुझे लगता है जब हमारी दीपावली और हमारी खुशी के साथ कोई गरीब, कोई किसान, कोई नौजवान, समाज का कोई वंचित तबका जब हमारी खुशियों के साथ खुशी मनाता है तो उत्साह और उमंग कई गुना बढ़ जाता है, और यही उत्साह यही पर्व और त्योहार की वास्तविक मंशा होनी चाहिए। इसी वास्तविक मंशा के साथ हम सब यहां पर भी आए हैं, जहां पर पहले प्रशासन आता नहीं था, आज आप देख रहे होंगे प्रशासन और शासन की सभी योजनाएं पंडाल लगा करके आपके बीच में किस प्रकार से देखने को मिल रही है। पहले इस प्रकार का पंडाल आपको गोरखपुर में नगर निगम के हाथे में ही इस प्रकार की जब दुकानें दीपावली की लगती थी वहीं पे देखने को मिलता रहा होगा, लेकिन आज पूरा शासन और पूरा प्रशासन आपके घर में आकर के इस प्रकार का पंडाल लगा करके पूरा एक्टिवेशन लगा रहा है शासन की योजनाओं का लाभ। और मैं तो कहूंगा सभी से, ये सामने लॉसिंग वगैरह बैठे होंगे, इनसे बोलूंगा कि सब भी देखा करें कि क्या क्या योजनाएं शासन की है, जिससे गरीब को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, देख सके, उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंचाया जा सके। नहीं तो गरीब और जरूरतमंद इन योजनाओं से वंचित रहता है और उसका वास्तविक अधिकार उसे नहीं मिल पाता है। मैं अपने दोनों विधायकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विकास में रुचि ली, पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल जी ने भी और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने भी, और उसका परिणाम है कि एक एक गरीब के पास इन योजनाओं का लाभ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वे विकास की योजनाओं से अब वंचित नहीं हो सकते, बल्कि विकास की योजनाओं से क्षेत्र संचित हो रहा है और उसका लाभ हर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। यही हमारा कार्य होना चाहिए। मैं तो भयभीत था कि कोरोना है, कोरोना में कैसे कार्यक्रम होगा। मैंने पीके मल जी को, जिला प्रशासन को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो पाएगा? इन्होंने कहा कि कार्यक्रम की हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लोग मास्क पहन करके कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन कार्यक्रम बनना चाहिए, निरंतर बनना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और अपने समाज के सभी संभ्रांत नागरिकों से भी,
जनप्रतिनिधि कोई भी हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, पार्षद हो, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सबसे ये पर्व और त्योहार वो नहीं होते जिन्हें हम केवल व्यक्तिगत रूप से या परिवार के बीच में जाकर के उनका आनंद लेते हैं। पर्व और त्योहार की खुशी तब और कई गुना बढ़ जाती है जब हम समाज को उसके साथ जोड़ते हैं, और खासतौर पर गरीब तबका जब हमारे साथ जुड़ता है तो वह गरीब तबके के साथ हम सबका जुड़ाव पर्व और त्योहार के आनंद को कई गुना आगे बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। और सचमुच आज जब हम दीपावली के दीपोत्सव के कार्यक्रम को मना रहे होंगे तो हमें दो बातों को जरूर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो संकल्प देश को दिए, एक कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय में बदलना, और इसके लिए हमें दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करना होगा। दूसरा, आज जब हम दीपावली का दीप जलाएंगे तो दीपावली का दीप हमें सोचना चाहिए हमारे अपने उन जवानों के लिए जो आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए देश और प्रदेशों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, आपकी खुशी के लिए दिन रात एक करके कोई देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा होता है, कोई प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने के लिए योगदान देता रहता है, इन सब के नाम पर एक दीप अपने घर में जरूर जलाएंगे और ये कार्य होना चाहिए। और दीप भी मिट्टी का बना हो, मिट्टी के बने हुए दीप में तेल रख करके या घी रख करके उसी में रुई डाल करके और फिर उस दीप को जलाएंगे। आप देखना, अगर सात्विक भाव के साथ जब हम किसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं उसका कितना भारी प्रभाव होता है। आपने 492 वर्षों की अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई समस्या के समाधान को होते हुए देखा है। दीपोत्सव के बाद हर एक मन में विश्वास हुआ अयोध्या में अब राम मंदिर को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प जमीनी हकीकत में बदल करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कल अयोध्या में अद्भुत दीपावली थी। दीपावली में हम पटाखे ही फोड़े आवश्यक नहीं, डिजिटल दीपावली भी मनाई जा सकती है। आपने देखा होगा भी यहां पर कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, और बेहतरीन तरीके से खुशी तो किसी भी रूप में हम लोग आगे मना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और वो उसका भी एक प्रदर्शन कल अयोध्या जी में हुआ था, अयोध्या धाम में हुआ था। और हमारा इस संकल्प होना चाहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कितना बेहतर अवसर था। अभी मैं जी मुझे मंच पर मल जी ने और राम गणेश जी ने बजरंग बली की एक बड़ी प्रतिमा उपलब्ध कराई, टेराकोटा की यहीं पे बनी है। आप आश्चर्य करेंगे कल गोरखपुर के जो टेराकोटा का काम करते हैं ये लोग लखनऊ में एक प्रदर्शनी में गए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे, औरंगाबाद और एकला के लोग। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बिक्री भी, औरंगाबाद का एक नौजवान था टेराकोटा का काम करता है, मूर्ति बनाता है, दीपक बनाता है। उसने कहा कि मेरे 3 दिन में 8 लाख रुपए की मेरी बिक्री हुई है। आप अनुमान कर सकते हैं ये आत्मनिर्भर भारत का परिणाम है। वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल के लिए हमें वोकल बनना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप सोचिए कि वह केवल टेराकोटा का, मिट्टी के बर्तन बनाता है, दीपक बना करके और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना करके उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए हैं 3 दिन के अंदर लखनऊ की प्रदर्शनी में। कल वो मुझसे मिलने के लिए आए थे लखनऊ में मेरे आवास में। ऐसे एकला से भी गए थे एक सज्जन, उन्होंने
दीपक स्टैंड बनाया था, कई दीपक उसमें एक साथ जल सकते हैं। मैंने कभी उसे भेंट करने के लिए लेके आए थे, मैंने कभी ये कितने का, उन्होंने कहा 22,000 का, तो मैंने कहा 22,000 में बिकेगा। उसने कहा बड़ी डिमांड थी इसकी, तो एक तो मैं किसी प्रकार से बचा करके रख लिया, अन्यथा जितने लाए थे मैं सब बिक गए। यानी कितनी डिमांड है, हमने कभी इसका प्रयास नहीं किया। और मैं चाहूंगा वन्य गांवों से जुड़े हुए लोगों से भी, आप भी अपने इस गांव में कोई विशिष्ट चीज बना करके तैयार कर सकते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, एक परिवार स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा, और परिवार आत्मनिर्भर होगा तो समाज भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा, और समाज आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी के यहीं से आगे बढ़ती हुई दुनिया में भारत की धमक को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ चुका है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमें स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ खरीदना चाहिए। कोरोना के कारण इस बार चीन की झड़ियां भी नहीं आई, चीन की फुलझड़ी भी नहीं आई, चीन से गौरी गणेश की मूर्ति भी नहीं आई, दीपक भी वहां से नहीं आया। ये सब यही कहीं गौशाला में बनी है, कहीं कुमार ने बनाया है, कहीं गांव के लोगों ने स्वयं बनाया है, और उसकी बिक्री के प्रति लोगों के मन में अथाह उत्साह देखने को मिला है। कल अयोध्या में मैंने तो कहा था 5,51,000 दीपक जलेंगे, लेकिन अयोध्या में कल मैंने देखा 6,04,000 से अधिक लोगों ने दीप जलाए हैं अयोध्या में, अकेले अयोध्या में, अयोध्या में राम जी की पेड़ी में। बाकी अयोध्या में मंदिरों में घरों में जो जला वो अलग है, कितना उत्साह था लोगों में, और ये उत्साह दीपावली के अवसर पर हमारे घरों में दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक दीपक सैनिक के नाम, अपने बहादुर जवानों के नाम हम सब अपने घरों में जलाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। जैसे वन्य गांव जंगल तिनकोनिया ने, रजई ने और आसपास के जितने भी अन्य गांव हैं, इन लोगों ने जैसे आत्मनिर्भरता के आप सबके प्रति हृदय से दीपावली की अपनी बधाई देता हूं। मैं यहां पर जो कार्यकर्ता गण है उन सबसे कहूंगा, हर बच्चे को बनटांगिया गांव से आए हुए जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, सबको मिष्ठान वितरण का कार्य जरूर करवाएगा, हर एक को कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा, दीपावली की मिठाई उन लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। के अंतर्गत उनकी धन्यवाद ज्ञापन के लिए नहीं, महाराज जी 2009 से ताकि आप जैसा सहृदय विकास पुरुष ही इसको महसूस कर सकता है, और आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है, तो बनटांगिया ग्राम में रह रहे उन सभी जो हमारे भाई हैं, उनकी जो मनोकामना थी कि उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, महाराज जी ने आप लोगों को 2017 में सरकार बनने के बाद राजस्व ग्राम का जो दर्जा दिया, इसके लिए हम बनटांगिया ग्राम की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आजादी के पहले इस वनों को लगाने के लिए उनको यहाँ पर लाया गया था, उनकी निरंतर मांग रहती थी कि हमें समाज के मुख्य धारा में सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। ये जब आपकी सरकार बनती है और आप जब यहाँ से सांसद थे तो आपने उनकी पीड़ा को महसूस किया, उनकी लड़ाई को लड़ा, और वास्तव में ये कहा जाए कि जब आपको वो अधिकार मिला तो आपने वो सारे काम, अब आप देखिए
आपके ग्रामों में जो सड़कें नहीं थी सड़क बनकर के तैयार हुई, आपके आवास बन गए, शौचालय मिल गई, बिजली की सुविधा मिल गई, आपको आंगनबाड़ी केंद्र मिल गया, विद्यालय बन गया, यानी आपको सारी सुविधाएं इस बनटानिया ग्राम को जो चाहिए सारी जरूरतों को आपने पूरा किया। और आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश आपको देख रहा है। महाराज जी, पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र था हमेशा से उपेक्षित रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद आज जो पूर्वांचल में विकास हो रहा है, और मैं कहूं पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा आपने बहाई है, इसके लिए मैं पुनः विधानसभा पिपराइस की तरफ से आपको कोटि कोटि आपका नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ कि इसी तरह से आपका जो यश है वह निरंतर आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।